हेलो दोस्तों, कई बार हम चीजें खरीदते समय उस पर बने निशानों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। हालांकि किसी भी चीज को खरीदते समय उस पर बने निशान को देखना जरूरी होता है, लेकिन दवाइयों के मामले में ये और भी जरूरी हो जाता है। दवाई के पत्तों पर एक लाल रंग की पट्टी बनी होती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल ज्यादातर लोग जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो सीधे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और अपनी परेशानी के बारे में आधा अधूरी जानकारी देकर दवाएं खरीद लेते हैं। कई बार इससे बीमारी ठीक तो हो जाती है, लेकिन कई बार गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए जब भी आप किसी बीमारी से ग्रसित हो तो सीधे मेडिकल स्टोर जाने के बजाय डॉक्टर के पास जाए और उनसे सलाह लेने के बाद ही दवाई खरीदे। आखिर दवाई के पत्तों पर बनी लाल पट्टी का क्या मतलब है, तो आइए जानते हैं। दवाई के पत्तों पर बनी लाल पट्टी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन डॉक्टरों को उसके बारे में अच्छे से पता होता है। दवाइयों के पत्तों पर बनी लाल रंग की पट्टी का मतलब यह है कि बिना डॉक्टर के पर्ची या सलाह से उस दवाई को नहीं बेचा जा सकता है और ना ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि एंटीबायोटिक दवाइयों का गलत तरह से इस्तेमाल न हो, इसलिए दवाइयों पर लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे चीज लिखे होते हैं, यानी कि लाल पट्टी के अलावा दवाइयों पर कई अन्य निशान भी बने होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, वो भी जान लीजिए मेरे दोस्त। कुछ दवाइयों के पत्तों पर RX लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि बिना डॉक्टर की सलाह से उस दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयों पर NRX भी लिखा होता है, इसका मतलब है कि उस दवाई को लेने की सलाह केवल वही डॉक्टर दे सकते हैं जिनके पास नस्ली दवाइयों का लाइसेंस प्राप्त होता है। वहीं कुछ दवाई ऐसी भी है जिनके पत्तों पर XRX लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि वो दवाई मेडिकल स्टोर से नहीं बल्कि डॉक्टर के पास से ही ली जा सकती है। इस दवा को डॉक्टर सीधे अपने मरीज को दे सकता है। अगर डॉक्टर पर्ची में उस दवाई के बारे में लिख भी देता है तो इसके बाद ही मेडिकल स्टोर से आपको दवाई नहीं मिल सकती है। और इन मेडिसिन को खरीदते समय निशानों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको पता चल चुका होगा कि ये क्यों होता है ऐसे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर हमारे दिए गए जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस चैनल से हमेशा से बने रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।